गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा वे हैं उत्कृष्टता का उदाहरण। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए हैं। नीरज ने फाइनल मुकाबले में 88.17 मीटर का थ्रो फेंकते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे स्थान पर रहे और उनको सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। उनकी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स यानी कि पहले ट्विटर पर लिखा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई। इंडियन आर्मी ने भी दी नीरज को बधाई। नीरज चोपड़ा की शानदार जीत पर पूरी दुनिया उन्हें बधाई दे रही है। वहीं इस कड़ी में इंडियन आर्मी ने भी नीरज चोपड़ा को एक्स पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि नीरज चोपड़ा ने हमें फिर गौरवान्वित कर दिया है। भारतीय सेना बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के भाला फेंक में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने पर सूबेदार नीरज चोपड़ा को बधाई देती है। पाकिस्तान से मिली कड़ी टक्कर। नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी टक्कर मिली। अरशद ने अपने तीसरे प्रयास में 87.82 मीटर का थ्रो फेंकते हुए एक बार को भारतीय फैंस की सांसें अटका दी थी, लेकिन वह नीरज के 88.17 मीटर के थ्रो को पार नहीं कर सके। पिता और चाचा ने जताई खुशी। नीरज की जीत पर पिता और चाचा ने गांव में गले मिलकर खुशी मनाई है। इस दौरान नीरज चोपड़ा के पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते कहा कि हमें नीरज से पूरी उम्मीद थी। उसे भी ये पता था कि वो देश का नाम ऊंचा करेगा। पूरे हिंदुस्तान के लिए खुशी का दिन है।